बिग बॉस 22 विनर एल्विश यादव पर बड़ी पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि मेनका गांधी से जुड़ी संस्था ने कस्टमर बनकर आरोपियों को जाल में फंसाया। पुलिस ने मौके से कोबरा समेत 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। वहीं मामले में एल्विश यादव समेत 5 के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। चलिए यहाँ जानते हैं एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज की गई FIR की डिटेल्स क्या है। PFA ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एल्विश सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है, फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम, तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ। मेनका गांधी द्वारा संचालित संस्था को सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर स्नेक वेनम व जिंदा सांपों के साथ नोएडा और NCR के फार्म हाउस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों यूट्यूबरों के साथ वीडियो शूट कराते हैं और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टियों को अंजाम देते हैं। शिकायत में आगे कहा गया कि इन रेप पार्टियों में बकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम व नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता है। सूचना पर हमारे एक मुखबिर ने पूरे मामले में एल्विश यादव से कॉन्टेक्ट किया और नोएडा में रेप पार्टी करने व सांपों व कोबरा वेनम को ऑरेंज करने के लिए कहा गया था। इस पर एल्विश ने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया और उसका मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस शख्स से मेरा नाम लेकर बात कर लो। सर FIR 49 में क्या कुछ मामला? देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं, इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।